भारत जो है आहिस्ता आहिस्ता चाइना के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाता जा रहा है। चीन की तनातनी को खत्म करने के लिए ये एक कारगर हथियार साबित होगा। तो फ्राइडे को ये डिसीजन लिया गया, जो मत्ताला राजपक्षा महिंदा राजपक्षा के नाम पे ये एयरपोर्ट जो है वो खोला है फॉर्मर प्रेसिडेंट, जिसमें भारत और रशिया इन दोनों कंपनीज को ये दिया है कि भैया आप इसको आप संभाले। चाइना ने जारी बात है ले लिखा है कि भाई ये हमें काबिले कबूल नहीं है, ये हम्मन तोता के पास है, तो भारत के लिए ये एक जीत है। अलीना ये याद रखिए, पाकिस्तान के नई दिल्ली के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के बीजिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। एक हाथ मिलाएं पड़ोसियों के साथ जिसमें भारत भी शामिल हो। बट एट द सेम टाइम जो IMF है वो इस साल 2024 के लिए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ शामिल कर रहा है जहां खाना जंगी और बहुत से और तनाजात हैं। आप देखें, आप उसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, उनके साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में अगर ईरान की सिचुएशन डिस्टेबलाइज होती है किसी तरीके से तो आपका बलूचिस्तान भी डिस्टेबलाइज हो सकता है। और यहाँ हाल ये है कि कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और क्या कर रहे हैं आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ कहते हैं आए, वो क्यों आए यहाँ, क्या आपको उनको मिलेगा? वो रेकोडिक वाले आए थे, हुआ क्या उनके साथ? और उससे क्या हो रहा है कि वो औंधे मुंह गिरने वाला है, गिरता जा रहा है, फिसलता जा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अपनी इकोनॉमी को बचाए कैसे। उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है, इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है, अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हों क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। सर, जब अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो GDP है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है, तो इसमें कोई शक है आपको? उनका एक हार और हमारा 22-25 करोड़ आवाम का, इसमें कोई शक है आपको? ये पहले ये बताएं इसमें। अच्छा, मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसमें कसूर किसका है? सिर्फ ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका कसूर? हमारा बराबर का है जी। तो फिर आप किस चीज़ के लिए रो? तो नहीं, उस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं ना, जो अच्छा होता है, जो अच्छा दिमाग होता है वो बाहर चला जाता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। देखें ना, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिले हैं तो कौन जाएगा बाहर? ये भी बात, कौन अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जाना चाहता है? परदेश कोई भी नहीं काटना चाहता फिर, यही ना। तो अब बात कर रहे हैं आप वैक्सीन की, वैक्सीन अब पहले एक फ्रांस का इशू चला था कि फ्रांस वो जो हुआ था, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने बेहरमती की थी हमारे प्यारे नबी की। तो अगर हम फ्रांस से, जैसे इमरान खान ने कहा था कि बैन लगा, अगर हम बैन लगा देते फॉर एग्जांपल, अगर हम उनसे बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देते तो अब हम, मैं फॉर एग्जांपल वेटनरी का स्टूडेंट हूँ, मुझे वेटनरी की फील्ड का पता है कि काफ़ी जो लार्ज एनिमल्स की वैक्सीन हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोडक्शन जो फ्रांस में हो रही है, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हो रही। अगर उनके साथ हम बैन लगा देते हमारे एनिमल्स भी मरते डेफिनेटली। भारत जो है आहिस्ता आहिस्ता चाइना के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाता जा रहा है, और चाइना जैसे जैसे अपनी जमीन को खो रहा है, ये कौन सी जमीन है ये बताऊंगा आपको मैं, और उससे क्या हो रहा है कि वो औंधे मुंह गिरने वाला है, गिरता जा रहा है, फिसलता जा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अपनी इकोनॉमी को बचाए कैसे। भारत को पता लग गया ड्रैगन भूखा है। मैं बार बार गवर्नमेंट के लोगों को बोलता हूँ, चाइना एक ऐसा ड्रैगन है जिसे भूख लगती है बहुत ज्यादा, और उसकी भूख एक ही चीज से खत्म हो सकती है, वो है पैसे से। अब पैसा आता है बिजनेस से और दूसरा आता है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे। चाइना का एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी कम हो रहा है, पिछले महीने 10% और कम हो गया एक्सपोर्ट, दैट मीन्स मार्केट ही नहीं है। यहाँ पर मैं कंपनीज पे जाता हूँ, कंपनियां बंद हो रही हैं, बुरा हाल है यहाँ पर, उन्हें समझ नहीं आ रहा करना क्या है। जो मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी, जो फिनिश गुड्स हैं वो रॉ मटेरियल कॉस्ट से भी कम प्राइस में बेचने को मजबूर है कंपनियां, तो भी माल नहीं बिक रहा। अभी मैं कल एक यहाँ पर रिमोट प्लेस है कि आउटस्कर्ट्स ऑफ जो सिटी है उसके अंदर जो घर थे जो पहले करोड़ों रुपए में बिकते थे, लोगों ने खरीदे भी हैं, आज बायर ही नहीं है। अब इसका रीजन क्या है और भारत ने ये जमीन खिसकाई कैसे? भारत ने क्या किया, अपने कंट्री को अट्रैक्टिव बना दिया दुनिया के लिए। आइए, भारत आपके लिए रेडी है। मोदी जी एक ही बात बोलते हैं, ये भारत का मोमेंट है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास,
भारत में आइए, पैसे कमाइए। और इसीलिए हमारा जो टारगेट है वो है कि जो पैसा पहले चाइना में जाता था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारा भारत में आए। हमारा लास्ट ईयर $70 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि बाहर की कंपनियों ने आकर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्रियां लगाई। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, सैमसंग है, एप्पल है, ऐसी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। ये पहले सारा पैसा चाइना में इन्वेस्ट होता था, इसलिए ड्रैगन भूखा है, बिजनेस के लिए नहीं मिल रहा। भारत ने ऑलरेडी अपने चीजों को टाइट करना शुरू कर दिया कि चाइना से माल भारत में नहीं आए, और दूसरी तरफ हमने सारा इन्वेस्टमेंट वहां पे जो जा रहा था कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, वो सारा अब भारत में आना शुरू हो गया। जो इन्वेस्टर है वो भी भारत को एक अट्रैक्टिव मार्केट की तरह देखते हैं कि भाई यहाँ पर लेबर चीप है, अपॉर्चुनिटी माल बेचने की बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं चाइना से, कि चाइना से थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि चाइना कभी भी किसी भी दिक्कत में आ सकता है, जैसे रशिया आज ही डेट में आ गया। अभी तो चाइना ने ऑलरेडी डिक्लेयर भी कर दिया कि भाई वो एक अपना जैसे नेटो टाइप अपना एक GSI बनाने वाले हैं, जिसके अंदर उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान, तुर्की और रशिया को जोड़ा जाए। आप सोच के देखिए, अगर चाइना और रशिया इकट्ठे हो गए, ये तबाही मचा देंगे पूरी दुनिया में। इसलिए इन्वेस्टर्स को लगता है, कंपनियों को लगता है कि अगर चाइना से बाहर निकला जाए और एक अल्टरनेट को खड़ा किया जाए, वो हमारे लिए भी बेटर है। इसलिए चाइना के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पहली बार नेगेटिव गई है। नेगेटिव का मतलब है लोग जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था 15-20 साल पहले चाइना में, वो अपने पैसे को निकाल निकाल कर बाहर लेके जा रहे हैं, और जाएंगे कहाँ? वेटा में गए थे, वेटा में उन्हें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं मिला जैसे उन्हें चाइना में मिलता था। अभी वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मिले। देखते हैं कि कैसे हमारे भारत के लोग, मोदी जी का जो प्रयास है कि सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भारत में लेके आया जाए, उसमें कितना सफल होते हैं। अब जो गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट में भी एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, वो लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से भारत को शोकेस किया जाए कि देखिए हमारे पास प्रोफेशनलिज्म भी है, लेबर लॉज कंड्यूसिव आपके लिए, आपको जगह चाहिए, आपको और जो इन्वेस्टमेंट्स लेके आने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, वो हम देने को तैयार है, लेकिन आप यहाँ आइए, भारत आपके लिए रेडी है। रीजन, हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमीज में हमारा नाम ऑलरेडी आना शुरू हो गया, 5th largest है, 3rd के हमने सपने देखने शुरू कर दिए कि अगले 2 साल में हम उसको भी क्रॉस कर देंगे। दैट मीन्स हम एक अपील कर रहे हैं, और ये अपील लोगों को अच्छी भी लगती है। वी आर बींग, जिसको बोलते हैं कि भारत एक अपीलिंग मार्केट है बिजनेसेस के लिए।